नमस्कार, मैं हूं विनोद सिंह, आप देख रहे हैं वीपी टीवी। एडीजीपी रेलवे रोहित चौधरी के दिशा निर्देश अनुसार कल रेलवे स्टेशन अमृतसर में चेकिंग के दौरान दो लोगों को एएसआई बलविंदर सिंह और सुखविंदर सिंह ने चेकिंग के दौरान धर दबोचा और उनसे 290 कैप्सूल बरामद किए गए। उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा 134/21/10/2017 को दर्ज किया गया और आज दोपहर को इन्हें पेश किया जाएगा। थाना रेलवे पुलिस अमृतसर इनके रिमांड की मांग करेगी ताकि इनसे और मामलों के खुलासे कर सके। डीजीपी श्री रोहित चौधरी रेलवे पंजाब के हुक्म अनुसार के निर्देशों अनुसार जी लगातार साड़ी चैकिंग चल रही थी, जरा नशे की जी मुहिम है वो खिलाफ। इस दौरान साढ़े ए एस आई बलजिंदर सिंह ने अपनी टीम समेत जिद ए एस आई तरसिम कुमार, ए एस आई रजिंदर सिंह, ए एस आई सुखविंदर सिंह तो बाकी टीम जी उन्होंने दो जड़े आ नौजवान लड़के आ जिन्होंने अचानक जी चैकिंग चल रही थी तो सैकेंड क्लास गेट तो जो क्रॉस करके बाहर जान लगे हो ट्रेन चो उतर के आए थे किसी चो तो बाहर जान लगे तो उन्होंने हाथ में जोड़े मोमी लिफाफे पड़े से इन्होंने जिन्होंने अचानक पुलिस पार्टी ने चैक करके खोल के देखा तो वेद जोड़े आ नशीले टीके मिले आपरेनोरफिन जो कि एन डी पी एस एक्ट के तहत होंगे तो उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्होंने अरेस्ट पाई गई है तो जिन्होंने अज पेश अदालत किया। मुकदमा नंबर 135 इन्हों का कोई पहला भी केस है जी? इन्हों की वेरीफिकेशन हो रही है जी, हाले मुझे तफ्तीश जी इन्होंने फिलहाल तो डिनाई किया भी साढ़े खिलाफ कोई परचा नहीं है, पर जो अभी इन्हों की कंसर्न थाने के आप परचे बार